रिलेशनशिप में पैशन तो हर कोई चाहता है, पर किसी गलत आदमी से वो पाना या हमें बर्बाद कर सकता है। इसी थीम के साथ 2005 की मूवी असाइलम आती है। इसमें मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर की वाइफ का अफेयर एक पेशेंट के साथ हो जाता है। इसके बाद आगे क्या होगा ये जानने के लिए अंत तक जरूर देखते रहिएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक फैमिली नई जगह पर मूव हुई है। इस फैमिली में हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है स्टेला, उसके हस्बैंड डॉक्टर मैक्स और उनका एक छोटा सा बेटा है। रात में इन्होंने आसपास की सब चीजें देखी। स्टेला ने अपने लिए ड्रिंक बनाया और अबैंडन ट्री हाउस में वो आ गई। यहाँ पर उसका हस्बैंड भी था। स्टेला इस मोमेंट पर जरा इंटीमेसी चाहती थी। उसका हस्बैंड कहता है मुझे जरा काम है, कहकर वो चला गया। यहाँ पर एक्चुअली डॉक्टर मैक्स को नई जॉब मिली है, इसी वजह से आए हुए थे। डॉक्टर मैक्स अब एक असाइलम संभालने वाले हैं। उनके इंट्रोडक्शन के लिए एक पार्टी दी गई थी। सब लोगों ने इन्हें वेलकम किया। इसमें से एक डॉक्टर थे जिनका नाम था पीटर। स्टेला उनसे पूछती है कि आपकी फील्ड कौन सी है। पीटर कहते हैं कि पैशन, इंटीमेसी, इनकी वजह से जो भी लोग पागल हुए हैं इन्हें वो ट्रीट करते हैं। वो सेक्सोलॉजी के डॉक्टर है। स्टेला ने पूछा इसके बारे में तुम्हारी वाइफ को क्या लगता है। पीटर ने कहा कि मैंने शादी नहीं की, प्यार ये बहुत ही ट्रिकी होता है। स्टेला कहती है मैं 10 साल से मैरिड हूँ, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। पीटर कहता है शादी और प्यार ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्टेला ने पूरी पार्टी में सिर्फ पीटर से बात की, ये मैक्स को अच्छा नहीं लगा। ये बात उससे वो कहता भी है। एक्चुअली मैक्स की जगह पीटर प्रमोशन चाहता था। ये मैनेजमेंट को सही नहीं लगा इसलिए मैक्स को जॉब मिली है। मैक्स स्टेला से कहता है यहाँ के पूरे इन्वायरमेंट में तुम घुल मिल जाओगी, दूसरे डॉक्टर्स के हाउसवाइफ्स के साथ उसे मिलना पड़ेगा। अगले दिन सब वाइफ्स मिलकर हॉस्पिटल के एक इवेंट की प्लानिंग कर रहे थे। स्टेला को इसमें थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो हॉस्पिटल से बाहर आते वक्त किसी अलग ही कॉर्नर में चली गई। वहाँ पर एक बूढ़ी पेशेंट थी, कहती है क्या तुम हमारे साथ हो, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो गलत रास्ता है। स्टेला डर कर वहाँ से भाग रही थी तो पीटर से टकराई। पीटर कहता है तुम्हें यहाँ वहाँ नहीं घूमना चाहिए, हॉस्पिटल में तुम्हें क्या मिलेगा ये कोई भी बता नहीं सकता। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्टेला का बेटा चार्ली गार्डन में खेल रहा था। वो अपनी मदर को भागते भागते एडगर के पास लेकर जाता है। एडगर भी हॉस्पिटल का पेशेंट ही है, पर उसे आसपास के काम जैसे कि गार्डनिंग ये करने की परमिशन है। एडगर और चार्ली ये दोनों खेल रहे थे, ये अपनी मदर को दिखाने के लिए हो गया। एडगर के बारे में रात में स्टेला मैक्स के साथ बात करती है। वो पूछती है क्या चार्ली का एडगर के साथ खेलना ये सेफ है। मैक्स ने कहा कि अगर सेफ नहीं होता तो हम उसे यहाँ काम करने ही नहीं देते। एडगर एक्चुअली डॉक्टर पीटर का फेवरेट पेशेंट है। स्टेला ने पूछा कि ऐसा क्यों। मैक्स कहता है कि पीटर को स्कल्पचर अच्छे लगते हैं और वही एडगर बनाया करता था। अगले दिन स्टेला फिर से एडगर से मिलने के लिए आई। उससे कहती है तुम स्कल्पचर हुआ करते थे। एडगर कहता है कि मैं अभी भी हूँ। वो पूछती है कि तुम कितने सालों से यहाँ हो। एडगर कहता है कि 5 साल हो चुके हैं। वो कहता है कि मैंने अपनी वाइफ को मारा, उसने मुझे धोखा दिया था। एक दिन गार्डन में खेलते खेलते चार्ली को चोट आ गई थी तो एडगर उसे घर में लेकर आया। सबको लगा कि एडगर ने उसे कुछ किया होगा, पर एक्चुअली चार्ली एक पेड़ पर चढ़ते हुए नीचे गिर गया था। बाद में सब क्लियर होने के बाद ये एडगर को थैंक यू कहते हैं। अगले दिन स्टेला अपने गार्डन पर काम कर रही थी। एडगर उसके पास आया, वो कहता है तुम्हारा बेटा एक एडवेंचरर है, शायद तुमसे आता है। स्टेला ने कहा मैं कोई भी एडवेंचरर नहीं हूँ। इसके बाद इनके हॉस्पिटल का इवेंट था। इस इवेंट में स्टेला ने एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहना, मैक्स को पसंद नहीं आता। वो कहता है कि ये ड्रेस जरा ज्यादा ही रिवीलिंग है, स्टेला इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इस इवेंट में हॉस्पिटल के पेशेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो एडगर भी वहाँ था। वो स्टेला के पास जाकर उसे डांस के लिए पूछता है। स्टेला भी इसके लिए मान गई। आज मैक्स जब बेड में आया तो बहुत ही खुश था, अब उसे और भी प्रमोशन मिलने वाला है। स्टेला भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। मैक्स कहता है अब सब कुछ चेंज हो जाएगा, हम सही तरीके से यहाँ सेटल कर सकते हैं, हमारे पास घर होगा, अपने खुद का गार्डन होगा। नेक्स्ट सीन में स्टेला जब अपने गार्डन में हैंगआउट कर रही थी तभी एडगर उसके पास आया, उसे फूल गिफ्ट दिया। स्टेला कहती है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। एडगर कहता है इसके पीछे जो मीनिंग है सिर्फ वो तुम एक्सेप्ट कर लो। मेरे साथ डांस करने के लिए थैंक यू, ये कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद स्टेला एडगर के बारे में सोच रही थी।
वो रेडी होकर एडगर जहाँ काम करता है वहाँ पर पहुँच जाती है। एडगर भी समझ गया और डायरेक्टली उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। मैक्स हमेशा अपने काम में बिजी रहता था, तो स्टेला और एडगर एक दूसरे से मिलना कंटिन्यू करते हैं। एक दिन पीटर ने एडगर को उसकी प्रोग्रेस जानने के लिए बुलाया हुआ था। पीटर उसे पूछता है, तुम स्टेला में शायद इंटरेस्टेड हो, उसके साथ तुमने डांस किया, उसे फुल गिफ्ट किया। एडगर कहता है कि वो काइंड है, इसलिए मैंने सब किया था, मैं सिर्फ दिखाना चाहता था कि मैं औरतों के साथ रह सकता हूँ। एडगर कहता है, मुझे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, अब वो ठीक हो चुका है, मुझे तुम लोग छोड़ क्यों नहीं देते। पीटर कहता है कि अभी ज़रा वक्त है, हम तुम्हें और भी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, इसके बाद छोड़ेंगे। इन सारी बातों से एडगर ज़रा अपसेट हो गया। उसे स्टेला के लिए जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना था। एक दिन स्टेला और मैक्स उनके कोवर्कर के साथ डिनर कर रहे थे। यहाँ पर इनकी एडगर के बारे में डिस्कशन होती है। डॉक्टर पीटर से पूछा जाता है कि उसे कब छोड़ेंगे। पीटर कहते हैं, कुछ सालों के लिए तो मेरे साथ ही रहेगा। इस बात का वो मजाक उड़ा रहे थे। स्टेला को पसंद नहीं आया, वो कहती कि चीयर्स, लोगों को बंद कर चाबी फेंक देने के लिए। स्टेला का इस तरह से बात करना ही मैक्स को पसंद नहीं आता। वो कहता है कि तुम्हें सब नहीं बोलना चाहिए था। स्टेला कहती है कि मैंने जो भी कहा ये सब कुछ सही था। कुछ दिनों के लिए मैक्स की मदर इनके पास आई हुई थी, तो इन दिनों में स्टेला और एडगर ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए। आज मैक्स की मदर और चार्ली ये दोनों बाहर जा रहे थे, तभी एडगर घर में आ गया। उसे रहा नहीं गया और स्टेला के साथ यही वो इंटीमेट हो जाता है। अचानक से मैक्स की मदर वापस आ गई, वो कुछ भूल गई थी। स्टेला उसे एंगेज रखती है और एडगर जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाता है, पर ये सब चार्ली ने देख लिया था। फिर से मैक्स की मदर और चार्ली बाहर निकले और आगे गए, तो चार्ली कहता है कि मैंने एडगर को घर से बाहर निकलता देखा था। मैक्स की मदर को पता चल गया कि स्टेला और एडगर में कुछ है, इस बात से वो बहुत ही गुस्सा थी। एडगर मेंटल हॉस्पिटल से भाग चुका है। इसी बात को लेकर हॉस्पिटल के हेड मैक्स और स्टेला से बात करते हैं। हॉस्पिटल के हेड को सब कुछ पता चल गया था। मैक्स कहते हैं, तुम्हारी वाइफ ने उसे इनकरेज किया यहाँ से भाग जाने के लिए, ये बहुत ही बड़ा इशू बन गया था। इन दोनों के जाने के बाद हॉस्पिटल हेड पीटर से बात करते हैं। इस इंसिडेंट की वजह से इनके हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ये मैक्स को निकाल देना चाहते थे, पर पीटर कहता है, वैसे भी हमें वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा है, अगर हमने इसका बहुत बड़ा इशू बनाया तो हमें ही प्रॉब्लम होगा, वक्त के साथ हम वैसे भी मैक्स को निकाल देंगे। हॉस्पिटल हेड कहते हैं, स्टेला इतनी पागल कैसे हो सकती है। पीटर ने कहा कि वो प्यार में थी, इसी वजह से उसने ये सब किया। इसके बाद पीटर मैक्स से मिलने के लिए आया। मैक्स कहता है, तुम एडगर से अफसेस थे, इसी वजह से तुमने उसे काम में लगाया। पीटर ने कहा, तुम्हारी वाइफ ने उसे अनस्टेबल किया, इसी वजह से वो भाग गया। मैक्स को लगा अब उसे फायर कर दिया जाएगा, पर पीटर कहता है, इन सब के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, चीज़ें जिस तरह से थी उसी तरीके से चलने दो। नेक्स्ट सीन में चार्ली स्टेला से बात करता है, कहता है, अगर एडगर पकड़ा गया क्या वो ट्रबल में होगा। उसे लगता है शायद एडगर अपनी बोट में ऑस्ट्रेलिया चला गया है। स्टेला को भी इमेजिन करना अच्छा लगता है। एक दिन स्टेला गार्डन में खड़ी होकर अकेले कुछ सोच रही थी। उसके पास पीटर आया, कहता है, मुझे तुम्हें हेल्प करने दो, जो भी हुआ इसके बारे में उससे बात करो। पर स्टेला चली जाती है। डिनर पर स्टेला ने मैक्स से कहा कि मुझे क्रिसमस के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, इसलिए मैं सिटी में जाने वाली हूँ। सिटी में आकर वो एक आदमी से मिली जो एडगर का कलीग हुआ करता था। वो उसे कहता है कि एडगर अभी भी यही है। फिर वो एक जगह पर एडगर से मिलने के लिए उसे लेकर गया। एडगर ने कहा कि जब तक सेफ नहीं था तब तक मैंने तुमसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो गए। रात में स्टेला जब घर पर आई तो मैक्स उसे पूछता है, तुम शॉपिंग करने के लिए गई थी, वहाँ से लाया क्या ये मुझे दिखाओ। स्टेला ने कहा कि वो सब क्रिसमस के लिए गिफ्ट है। मैक्स को लगता है कि स्टेला कुछ गड़बड़ कर रही है, तो उसे वो अभी के अभी दिखाने के लिए कहता है। स्टेला ने ऑलरेडी गिफ्ट लाया था जो उसे वो दिखा देती है। मैक्स को बुरा लगा और फिर वो स्टेला के साथ इंटीमेट हो जाता है। स्टेला और एडगर का मिलने जुलने का सिलसिला स्टार्ट हो गया था। एक दिन एडगर उसे कहता है, प्लीज़ मेरे साथ आकर रहो, मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकता, पूरी तरीके से मेरी बन जाओ। स्टेला इस तरह से अपने बेटे चार्ली को छोड़ नहीं सकती। एडगर कहता है, हम उसका भी एक तरीका निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में गार्डन में स्टेला और पीटर फिर से मिले। पीटर स्टेला पर नज़र रख रहा था। वो कहता है, तुम आजकल सिटी में जा रही हो,
शायद एडगर से मिल रही हो। वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अपनी वाइफ को क्रूअली उसने मार दिया था। वक्त के साथ वो तुम्हारे साथ भी वही करेगा। तुम इतनी बड़ी फूल नहीं हो सकती, यह सब पहचानो ना। स्टेला ने सब चीजों के बारे में सोचा और वो डायरेक्टली एक रात घर से भागकर एडगर के पास आके चार्ली मैक्स से पूछता है कि मदर कहाँ है। मैक्स कहता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगी। मैक्स को बहुत बुरा लगा। स्टेला और एडगर ये दोनों बहुत ही मजे में थे। एडगर का फ्रेंड जिसका नाम है निक, ये भी इनके साथ ही रहा करता था। ये तीनों मिलकर हैंग आउट करते थे। एक दिन स्टेला जब शॉपिंग करने के लिए बाहर गई तो निक उसका पीछा करता है। स्टेला समझ गई कि एडगर ने निक को उस पर नजर रखने के लिए कहा हुआ था। वो इस पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। एडगर उसे कहता है कि मुझसे गलती हो गई, ये फिर से मैं नहीं करूंगा। एडगर अपने स्कल्पचर पर काम कर रहा था तो स्टेला कहती है, तुम ही मेरे हस्बैंड की तरह ही कर रहे हो, हमेशा काम में बिजी रहते हो। एडगर उसे पकड़ लेता है और इंटीमेट हो जाता है। कहता है, क्या है तुम्हारे हस्बैंड की तरह है। इसके बाद स्टेला का बर्थडे था। एडगर, उसका फ्रेंड और स्टेला, इन सब ने मिलकर इसे सेलिब्रेट किया। एक दिन निक ने स्टेला को कन्फेस किया। कहता है, मैं तुमसे और एडगर से, तुम दोनों से प्यार करता हूँ। निक स्टेला को किस कर लेता है, पर इस बात से एडगर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने निक को बहुत मारा। अब निक यहाँ से जा रहा था। कहता है, तुम्हारा एडगर के साथ रहना सही नहीं है, वो आजकल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। लास्ट टाइम जब उसने अपनी वाइफ को मारा था तो उसी टाइप के पैटर्न मुझे फिर से उसमें दिख रहे हैं। स्टेला इस बात को मानती नहीं। अब इसके बाद कुछ दिन गुजर गए। एडगर जरा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। स्टेला फिर से निक से मिली। निक कहता है, एडगर को डॉक्टर की जरूरत है। ये दोनों बात कर रहे थे, ये एडगर ने देख लिया। स्टेला के घर पर आने के बाद उसे बहुत मारता है। एक दिन हॉस्पिटल को स्टेला और एडगर कहाँ रहते हैं इसके बारे में पता चल गया। हम ये भी कह सकते हैं कि शायद निक ने इनका पता दे दिया था। इसके बाद वो लोग जाकर स्टेला को फिर से वापस लेकर आते हैं। स्टेला को एक रूम में बंद कर दिया गया था। मैक्स उसके पास आया। कहता है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ बंद कर सकता हूँ, पर तुम्हारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है। उसे फिर से घर लेकर गया। जो भी इंसिडेंट हुआ, इसके बाद मैक्स को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है। वो एक छोटे से टाउन में आकर अब रहता है। रात में स्टेला चार्ली से मिली। उसे सॉरी कहती है। उसने कहा कि मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। एक दिन हॉस्पिटल में एडगर ने कॉल किया, मैक्स के बारे में पूछा। वहां पर एक लेडी थी, उसने मैक्स का पता उसे दे दिया। इस सब बात के बारे में पीटर को पता चल गया। वो मैक्स को वार्न कर देता है कि शायद एडगर वहां पहुंच जाएगा। स्टेला ने उस टाउन में अपनी लाइफ कंटिन्यू की थी। चार्ली को एक दिन वो स्कूल से पिकअप करती है। चार्ली ने कहा कि मैंने आपसे झूठ कहा था, मेरी एक फील्ड ट्रिप है जहां पर पेरेंट्स भी आ सकते हैं। चार्ली ने फाइनली सच कहा तो स्टेला को अच्छा लगता है। उसे समझ लेती है। कहती है, कभी कभी हमें झूठ कहना पड़ता है। उसने कहा कि मैं जरूर तुम्हारे साथ फील्ड ट्रिप पर आऊंगी। एडगर ने स्टेला से कॉन्टेक्ट कर लिया था तो एक सुनसान सी जगह पर वो मिलते हैं। एडगर कहता है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, मैं तुम्हारी बिना रह नहीं सकता। जैसे कि हमें पता है कि मैक्स को सब चीजों के बारे में पता था, उसने स्टेला पर नजर रखी थी, तो जल्दी से सब लोग वहां पर पहुंचकर एडगर को अरेस्ट कर लेते हैं। मैक्स ने स्टेला से कहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सिर्फ उसे उसके साथ फेथफुल रहना है। वो अब गुस्सा है पर फिर भी कहता है, प्लीज उसे जाने दो। फिर से हमारी लाइफ जिस तरीके से थी उसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में स्टेला चार्ली के साथ फील्ड ट्रिप पर आई हुई थी। चार्ली रिवर के पास कुछ फिश पकड़ने के लिए गया। स्टेला उसे देख रही थी पर अपने ख्यालों में गुम थी। चार्ली का पैर फिसला और वो पानी में डूब जाता है। स्टेला अपने ख्यालों में थी तो उसका ध्यान नहीं था। चार्ली की डेथ हो जाती है। इसके बाद स्टेला शॉक में थी। मैक्स बहुत रोया। वो स्टेला से कहता है, अब तुम शॉक में हो पर इसके बाद ग्रीफ आएगी, तुम्हें बहुत दर्द होगा, ये सब सैडनेस में टर्न हो जाएगा और ये सैडनेस पूरी जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। तुमने क्या किया है ये हमेशा तुम्हें याद रहेगा। स्टेला को भी अब मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है। पीटर ने आकर उसे बात की, कहा स्टेला भी इसी हॉस्पिटल में है। जो भी हुआ था इस सब के बारे में उसने उसे बता दिया। एडगर अभी भी कुछ भी नहीं बोलता। अब इसके बाद स्टेला को हॉस्पिटल में कुछ टाइम गुजर चुका है। पीटर स्टेला को उसके प्यार के बारे में पूछता है। स्टेला कहती है कि मुझे नहीं लगता कि कभी मैंने एडगर से प्यार किया था। अब मैक्स डॉक्टर नहीं रहा, किसी दूसरी जगह पर जाकर वो बच्चों को टीच करने का काम करता है। और कुछ दिन गुजर गए और पीटर ने स्टेला को फिर से बुलाया।
पीटर कहता है, तुम्हें सुपरविजन की जरूरत है, पर तुम बाहर जा सकती हो। अगर तुम मेरे साथ रहने लग जाओ तो सब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तुम फिर से नॉर्मल लाइफ जी सकोगी। पीटर स्टेला को उसे शादी करने के लिए पूछ रहा था। वो एक्चुअली उसे बहुत पहले से लाइक करता है। स्टेला भी इसके लिए मान गई। एक दिन स्टेला पीटर से पूछती है, क्या एडगर भी इसी हॉस्पिटल में है? पीटर कहता है कि हाँ, हर साल हॉस्पिटल का एक इवेंट होता है जहाँ पर सब पेशेंट एक दूसरे से मिल सकते हैं। यहाँ पर स्टेला एडगर से मिल सकती थी। पीटर एडगर से मिलने के लिए आया। उसने कहा, उस रात तुम स्टेला से मिल सकते हो। पीटर कहता है कि एक कंडीशन है, तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी, अपनी रिकवरी में ध्यान देना पड़ेगा। एडगर कहता है कि तुम उसे फेल कर दोगे, जैसे मैंने किया, जैसे उसके हस्बैंड ने किया। अब इनके इवेंट का दिन आया। फिर से स्टेला ने वही ड्रेस पहना था जो मैक्स के साथ आने पर उसने पहना हुआ था। पीटर को ये ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। एडगर इस इवेंट में आ रहा था, पर पीटर उससे मिलने के लिए गया। कहता है, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, तुम उससे नहीं मिल सकते। यही बात आकर पीटर ने स्टेला से भी कही। स्टेला एक्चुअल में एडगर से मिलने के लिए यहाँ आई हुई थी। उसने पीटर से शादी करने के लिए हाँ सिर्फ एडगर से मिलने के लिए की थी। अब वो एडगर से मिल नहीं पाएगी तो उसे बहुत बुरा लगा। वो डायरेक्टली हॉस्पिटल के टेरेस पर गए और वहाँ से सुसाइड कर लिए। वो अभी भी थोड़ी सी जिंदा थी। पीटर उसके पास आया। स्टेला कहती है, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी डेथ हो जाती है। स्टेला के मरने के बाद मैक्स भी उसके ग्रेव पर आया। उसे बहुत बुरा लगा। यही पर इस मूवी का एंड हो जाता है। स्टेला एक्चुअल में एडगर से अब्सेस थी। जिस पैशन को ढूंढ रही थी उसे अपने हस्बैंड से कभी भी मिल नहीं पाया, इसलिए वो एडगर के पास गए। उसका पैशन बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव प्यार में बदल गया। वो हमेशा उसके बारे में सोचती रहती थी और इसी वजह से उसे अपने बेटे को भी लॉस करना पड़ा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सिर्फ वो उसे ही चाहती रही। जब वो उसे मिल नहीं पाए तो खुद को ही उसने हर्ट कर दिया। उसके ऑब्सेशन ने उसकी जान ले ली। इसके साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखना। बस स्टेला की तरह नहीं,